हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ IRCTC के बारे में, यानी इंडियन रेलवे कॉर्पोरेट, माफ करना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। स्टॉक पे मैंने वीडियो बनाई थी, वहां पे काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत ही शानदार कमेंट आया था, जहाँ पे एक किसी के पास होगा IRCTC का शेयर, तो उनका कमेंट था कि ये स्टॉक की जो रेंज है वो पहले 780 से 900 की थी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, अब जो रेंज है वो शिफ्ट हो गए 700 रुपए से 800 रुपए पे आ जाएगी। एंड सेकंड थिंग, ही जस्ट ट्राई टू से दैट कि अब ये स्टॉक मार्केट तो रिकवर कर जाता है, पर ये स्टॉक रिकवर भी नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आज के सेशन में उनके लिए एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है स्टॉक में। स्टॉक की बात करूं तो 26 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि करीब करीब मोर देन 3% से तेज है स्टॉक, और मार्केट मात्र आधा परसेंट ही तेज है। तो होप उनको कहीं ना कहीं थोड़ी तसल्ली, रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने रेंज के लोअर एंड पे है। हालांकि वहां से थोड़ा सा आज बाउंस बैक देखने को मिला, बट अभी भी लोअर एंड पे। ऊपर की रेंज आप सभी को पता है 900 रुपए की है, नीचे 780-800 रुपए की। इनफैक्ट 800 के नीचे क्लोजिंग देता नहीं है, कल की क्लोजिंग छोड़ के दो बार ही क्लोजिंग आई है आज तक 800 के नीचे, और नेक्स्ट डे शार्प रिकवरी भी हमें देखने को मिलती है, और सेम आज भी होता हुआ दिखा शार्प रिकवरी। कल भी मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आप सभी को क्लियर कट यही चीज बोली थी कि 700-800 के नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग केवल एक बार दी है, और नेक्स्ट डे उस दिन भी 825 तक के लेवल स्टॉक ने दिखाए थे। आज भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है 815 पे। तो बात करेंगे, क्या ये दोबारा से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक अपने ऊपरी वाली एंड की तरफ जा रहा है, या फिर स्टॉक से निकल जाना चाहिए, बाउंस बैक अच्छा है, स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे कि उन्होंने मेंशन करा कि स्टॉक की नेक्स्ट रेंज जो है 700-800 होने वाली है। तो इसके चलते क्या आपको अपनी नेक्स्ट रणनीति, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इस स्टॉक के लिए, इस पर मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप अपस्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखिए, स्टॉक में आज के सेशन में बढ़िया तेजी है, लेकिन वॉल्यूम्स मिसिंग है, ये मात्र मार्केट के साथ तेजी है, और जो ओवरसोल्ड हो गया था स्टॉक वहां से एक बाउंस बैक है, अदरवाइज कोई फ्रेश बाइंग नहीं देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, एक स्टॉक होता है कि बाइंग के चलते भागता है, एक स्टॉक होता है बाइंग के सेलिंग के चलते गिरता है। कभी कभार क्या होता है कि स्टॉक में प्रेशर दिखता है, कोई सेलिंग नहीं होती है, लेकिन स्टॉक गिर रहा है, तो वो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन यहाँ पे बाइंग, स्टॉक तेज है लेकिन कोई बाइंग नहीं है, यानी कि ये एक बस बाउंस बैक है, कोई फ्रेश तेजी नहीं दिख रही है इस स्टॉक में, कोई बाइंग नहीं हो रही है। अगर कोई पोजिशनल बायर था जिसको प्रॉफिट हो रहा है, उसे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी मेरी तरफ से। लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनका पैसा ऊपर 878-900 के पास लगा हुआ है, वो चाहते हैं कि मुझे अपना पैसा बनाना है, मुझे लॉस में नहीं बेचना है, और वो स्क्रीन पे 780-750-700 के लेवल्स भी आ जाए तो डरेंगे नहीं, तो इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। देखिए होता क्या है, स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको डर खत्म हो जाता है, लेकिन जब स्टॉक नीचे जाता है ना, आपको डर लगता है। देखिए, मैं बस ये कहना चाहता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको स्टॉक 780-770-760 पे दिखे तो आप डर के बेचो ना, और अगर बेचना है उस लेवल पे, आप ये सोच लो मैं वहां पे नहीं बेचूंगा तो होल्ड करो, और अगर आपको बेचना है तो आप अभी बेच दो, क्योंकि आपको 760-780 दिख सकता है किसी भी दिन स्क्रीन पे। इसलिए ऐसी रणनीति आपकी तो आपसे एग्जिट की सलाह होगी। अब सेकेंड थिंग, यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपनी 800 रुपए से जब भी घूमता है तो सीधे 850 तो फर्स्ट टारगेट होता है, और ऊपर में 900 तक स्टॉक लेवल दिखा देता है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए, और अगर फ्रेश बाइंग लेनी भी है तो लार्ज कैप के साथ रहें, जैसे कि रिलायंस हो गया, TCS हो गया, क्योंकि इन स्टॉक्स में इन कंपैरिजन मार्केट के चलते कम वीकनेस देखने को मिलेगी, कम सेलिंग प्रेशर आएगा। HUL हो गया, यहाँ पे आपको बेशक गेन नहीं होंगे पैसा, लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। जब मार्केट ठीक हो जाएगी, वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी, दोबारा बुल मार्केट आएगी, तेजी आएगी, तो आप कहीं भी पैसा लगा सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, फिर वहां पैसा आपका तेज बनेगा। लेकिन अभी आपको पैसा बनाना नहीं, बचाना है, और बचाने के लिए दो ही चीजें, देखिए मैं कहूं कि ट्रेड मतलब ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास पैसा है आप ट्रेड लोगे, लेकिन लोगे तो कहां, सेफ जगह लेना है आपने। आप इस टाइम इंफोसिस खरीदो, HDFC बैंक खरीदो, ICICI बैंक खरीदो, रिलायंस खरीदो, HUL खरीदो, तो जो हैवी वेट है
वॉलेटिलिटी कम रहती है जिनमें, वहां पे आप लो बीटा स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए आपकी रणनीति और ये मेरी आप सभी से रिकमेंडेशन होगी। आईआरसीटीसी में फ्रेश बाइंग मुझे नहीं दिखती अभी करनी चाहिए। इनफैक्ट जो बिल्कुल पोजिशनल बाय उन्हें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और उनकी 825 के लेवल्स की बाइंग है तो उन्हें लॉस बुक यहाँ कर लेना चाहिए, अदरवाइज यू विल सी अ हैवी लॉस इन योर पोजिशन। तो ये मेरे हिसाब से आपकी रणनीति और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस स्टॉक पे। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये जितने लेवल्स जो आपके सामने व्यू रखा है मेरा पर्सनल व्यू है, होप आप अगर इससे सेटिस्फाई हैं, एग्री हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही अपनी पोजीशन लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।